ध्यान से सुनना। आज मैं अपनी दादी माँ के बारे में वो सच्चाई बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगी। वो मेरी दादी माँ की शादी बचपन में हो गई थी। जब तब के ज़माने में छोटे छोटे बच्चे को थाली में शादी करते हैं, तब उनकी शादी हो गई थी। वो उनके घर पर रह रही थी शादी के बाद, और मेरे दादाजी मेरे घर पर रह रहे थे। और फिर जब 10-12 साल की वो हो गई, वो उनकी विदाई कर दी। उसके बाद वो 17 साल की जब हो गई, तब एक बेटी की माँ बन चुकी थी मेरी दादी माँ, और 7 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। तो मेरे दादाजी थोड़ा शक्की माइंड के इंसान थे। मेरी दादी माँ बहुत खूबसूरत थी। मेरी घर से मेरी दादी माँ का घर मतलब इसे 500 मीटर होगी दूरी, और उनकी मायके से उनकी बहन का घर 200 मीटर के दूरी पर है। लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो मना कर रहे थे, तुम तुम्हारी बहन के घर को नहीं जाना। लेकिन वो जब मायके जाती थी, वो बहन से मिलने के लिए चली जाती थी। इस बात के लिए मेरे दादाजी गुस्सा थे। वो मेरी फूफी तब छोटी थी, उनसे पूछ लेते थे और वो छोटी बच्ची वो बोल देती थी सारी सच्चाई, और इस बात पर वो गुस्सा होते थे मेरी दादी माँ के ऊपर। एक बार ऐसा हुआ, मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा पान खाते थे, उनका तबीयत खराब होने लगा, और वो दिखाने के लिए बड़े हॉस्पिटल में गए थे, और उनको उनके रिश्तेदार लेके गए थे। वो जाने के टाइम में मेरी दादी माँ से उनकी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे दादाजी गुस्से में थे और बोल के गए थे ये डेट को मैं आऊँगा। फिर वो गए, वो दिखाने के लिए गए। जिस दिन वो आने वाले थे, मेरी दादी माँ सारे काम जल्दी जल्दी निपटा ली। वो मन ही मन सोच रही थी, आज वो आएंगे, सारे गिले सिक्के भी आज दूर हो जाएंगे, आज ये सारे बातें हम कर लेंगे, हम या तो हम माफ़ी मांगेंगे या तो वो माफ़ी मांगेंगे, आज हम बहुत सारे बातें करेंगे, काम थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम बहुत सारे बातें करेंगे, पूछेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या डॉक्टर बोले, ऐसे ही सोच रहे कि वो काम कर रहे थे। उनके सास को वो बोलने लगी, वो माँ जी क्या खाने में बनाना है, आपके बेटा आज आने वाले हैं, वो जल्दी जल्दी आके खाना खाएंगे, वो पता नहीं खाना खाए होंगे नहीं खाए होंगे, वो उनको बाहर का खाना भी पसंद नहीं है, मैं एक जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, वो ऐसे पूछने लगे। और मेरी दादी माँ की जो सास थी, वो उनको पहले से मालूम थी मेरे दादाजी का डेथ हो चुकी है। वो डॉक्टर क्या दिए, कैसे ट्रीटमेंट किए, क्या हुआ नहीं मालूम, आज तक हमको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वो उनको डेथ हो गई थी। मेरी दादी माँ की जो सास थी, मतलब मेरे पापा की जो दादी माँ थी, वो रोने लगी, मतलब क्या खाना बनाएगी, किसके लिए बनाएगी, अब वो तेरे हाथ का खाना खाने के लिए वो कभी भी नहीं आएगा। मेरी दादी माँ बोले, ऐसे क्यों क्यों नहीं आएंगे, वो आएंगे तो हम माफ़ी मांग लेंगे, क्यों नहीं खाएंगे। बोले कभी नहीं आएगा, वो नहीं है इस दुनिया में, नहीं है, वो मर चुका है। वो हमारे घर से जो हॉस्पिटल था वो 100 किलोमीटर की दूरी पर था, उधर वो उनका डेथ हो गया था, और उधर वो जो रिश्तेदार लेके गए थे ना, उधर उनको जला दिए थे। वो जाने के टाइम में दादी माँ से बात नहीं हुई थी, और वो हमेशा के लिए वही आखिरी मोमेंट ही था, वो कभी बात ही नहीं कर पाए, ना उनके चेहरा कभी देख पाए। वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो रो रो के सोचे उनका हाल कैसे हुआ होगा, वो उनका होश ही नहीं रो रहा था। मतलब जब मेरे पापा पैदा हुए, मेरे पापा तो पेट में थे, पापा पैदा होने तक वो उनको होश आवश नहीं रह रहा था, मतलब वो पागल जैसे हो रहे थे। तब मतलब 17 साल की वो लड़की थी, और मेरे दादाजी का उम्र 28 साल का था, 28 साल का। कभी कभी ना कहना है मतलब यही है, कभी कभी पति पत्नी में कोई एक समझ नहीं पाता, कभी कभी दोनों समझ नहीं पाते, कभी कभी आप समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किस्मत है ना, किसी को समझाने का मौका ही नहीं देता।